मूंग दाल से चटपटा और हेल्दी टेस्टी नाश्ता इस तरीके से बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। इसमें थोड़ा बहुत मैं सब्जी भी डाली हूँ जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा और स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें, यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ है मूँगफली की चटनी, ये है 150 ग्राम 150 ग्राम मूंग दाल। इसको हम 4 घंटा के लिए भिगो देंगे। दोस्तों एक एक चीज़ आप लोग फॉलो करिएगा, बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा। हेल्दी भी है टेस्टी भी है। 4 घंटे बाद इसको 3 से 4 पानी हम धुल देंगे। धुलने के बाद तब जाके इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये बन जाएगा तो लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं और घर में कोई भी आराम से खा सकता है। तो ये हम डाल दिए। इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ आलू, 2 हरी मिर्च, 1 कटा हुआ प्याज। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होगा और अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा ऐसे भी। तो इसको डाल के थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और डाल के इसको एक पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरीके का दोस्तों, जो कि आप लोग ये देखिए ऐसे ही। अब इसमें थोड़ा बहुत सब्जी डालेंगे, कुछ हल्का सा बेसिक मसाले, एकदम बहुत कम मसाले जो कि हेल्दी हमको बनाना है। तो मैं ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर और 1 छोटा सा खीरा है जिसको हम घिस लिए हैं डाल देंगे। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी हो जाएगा, रंग बिरंगा हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसका दोस्तों। ऐसे ही डाल के इसमें थोड़ी सी बस मसाले हैं जो कि इस पे पहले चावल का आटा 1 कटोरी डाल रही हूँ। इसको आप नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें हम डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर छोटा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक दोस्तों, जो कि मात्रा में 1 चम्मच है, 1 से 1.5 चम्मच। और इसको हम डाल के अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों, 1/2 गिलास पानी डाल के। बीच बीच में अगर थोड़ा टाइट लगेगा तो और पानी डाल के इसको हम ढीला कर लेंगे अच्छे से दोस्तों। तो ऐसे ही आराम से एक ही डायरेक्शन में हम मिलाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल लंस ना रहे और ये एकदम स्मूथली बैटर बन के तैयार हो, ताकि हम इसका नाश्ता बनाएँ तो टेस्टी बने और अलट पलट करने में भी दिक्कत ना हो दोस्तों। इसको ऐसे ही कर ले। इसको लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन स्टिक में होता है कि 1 मुन तेल में आप बना लेंगे, लोहे के तवा में थोड़ा 1 चम्मच तेल डालना पड़ेगा दोस्तों, तब ताकि नीचे से चिपके ना। तो ऐसे ही 10 मिनट रेस्ट के लिए इसको हम छोड़ देंगे, अब उसके बाद ये बनाने के लिए रेडी हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही तो इसको मिला दिए हैं, इसमें बिल्कुल लंच नहीं है, एकदम बराबर मिला है। और उसके बाद तब जाके इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों। उसमें फिर हम डालेंगे कटा हुआ बहुत सारा कड़ी पत्ता, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा। 1 नींबू का रस, इससे क्या होगा कि खट्टापन आ जाएगा तो ये टेस्टी और लगेगा। तो अगर नींबू नहीं पसंद हो तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं दोस्तों, और तब भी आपका नाश्ता अच्छा बनेगा। कुछ इस तरीके का बैटर बनना चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। तो ऐसे ही करके इसको हम अच्छे से हाई फ्लेम पे, मैं पैन रख दी हूँ ऐसे ही, जो ना तवा है ना कढ़ाई है, और ये गर्म हो गया है। अब इसको हम कर देंगे मीडियम, थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। तो एक बार में मैं 3 बना रही हूँ, पैन में 3 बन जाएगा दोस्तों। इसको 2 मिनट बाद हम इसको ढक देंगे, पलट 2 मिनट के बाद पलट लेंगे। एकदम थोड़ा सा ऑयल में ये बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। ये पैन इधर से बीच में ऊपर है नीचे से, तो हल्का भी तेल डालो तो एक साइड तेल आके रुक जाता है। तो इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, इसमें तेल ज़्यादा नहीं है। और देखिए कितना आसानी से ये पलट भी जा रहा है। फिर इधर से भी 2 मिनट हम रखेंगे लो फ्लेम पर, उधर से मीडियम था इधर से लो रहेगा दोस्तों, और इसको हम पका लेंगे। तो ये सुपर टेस्टी वाला नाश्ता हेल्दी टेस्टी बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसी तरह से 2 बार 3 बार जितना बनाना हो इसको हम बना लेंगे। अब बहुत झटपट में घूमते फिरते में ये बनके नाश्ता तैयार हो जाता है दोस्तों। ये बनाना बहुत आसान होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे दोस्तों, और इसको फिर दूसरा राउंड इसी तरह से सेम ऐसे ही बनाना है, जो कि उसी पैन में हल्का सा 1 बूंद तेल डाल के फैला लेंगे। फैला के इसको ऐसे ही 3 आएगा, 3-4 आपके पैन में 4 आए तो 4 बनाइए, 2 आए 2 बनाइए, ऐसे ही करके हम बना लेंगे।
और फिर उसी तरह से दो मिनट बाद पलट के, और फिर लो फ्लेम पे दो मिनट बाद हम पलट देंगे तो नाश्ता बन के हमारा तैयार हो जाए। जितना खाना है उतना बनाइए, फिर जो बैटर बच जा रहा है उसको रख दीजिए, जब खाना होगा गरम गरम बनाइए खाइए। ये ऐसे चाय के साथ ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है, ठंडा भी रहता है तब भी। तो ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार है। इसको हम नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों, मूंगफली की चटनी के साथ बहुत मज़ेदार बनता है। तो मूंगफली की सब्जी चटनी की रेसिपी मैं डाली नहीं हूँ, थोड़ा जल्दी था, सुबह का समय था दोस्तों, तो इसलिए मैं चटनी ऐसे ही बना दी हूँ, क्योंकि रेसिपी इंग्रेडिएंट्स दिखा के बनाने में टाइम लगता है, और ये क्योंकि ऑलरेडी ये चीला बनाना था हमको। तो ये देखिए सुपर टेस्टी बन के तैयार है, आप लोग भी ज़रूर बनाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसा बना है। इसी तरह से डेली वीडियो देखने के लिए नया हमको फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।